शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है। कांग्रेस भाजपा के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी चुनावी ताल ठोक दी है। आम आदमी पार्टी के 13 उम्मीदवारों ने सोमवार को नामांकन भरा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर के साथ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ढोल नगाड़ों के साथ उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां पर सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आम आदमी ने अन्य वार्डों में भी अपने उम्मीदवार उतारने की बात कही है। देखिए, हमारा काम जनता को जागरूक करवाना है, एजुकेट करवाना है। एजुकेट करवाते रहेंगे, जब जनता को हमारी बात समझ में आ जाएगी, जो जनता आज उधर खड़ी थी विधानसभा चुनाव में, वो आज इधर खड़ी रहेगी। क्योंकि एजुकेट करना एक बड़ी बात है। सवाल हमेशा सत्ता से पूछे जाते हैं और हम वो पूछते रहेंगे। जनता जिस तरीके का भी मैंडेट हमें देगी, वो हमारे सर माथे पे रहेगा और उसी हिसाब से हम लोग चलते रहेंगे। मुद्दों की कमी नहीं है। मैं तो ये बताऊंगा कि भाजपा और कांग्रेस ने दोनों ने मुद्दे ही मुद्दे शिमला एमसी को दिए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले चुनाव में इन्होंने वादा किया था कि 24 घंटे शिमला को पानी मिलेगा। कहां मिला क्या? इन्होंने बोला था कि कूड़े को हम लोग फ्री में उठाएंगे या तो डेली हर रोज उठाएंगे। क्या कूड़ा डेली उठता है? आज देखिए, इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। यहाँ पे जनता के ऊपर सारी चीज़ें थोपी जा रही है। ना तो यहाँ पे सफाई है, ना यहाँ पर डेली पानी की सप्लाई है। आप देखिए तो यहाँ पे ना कहीं एक भी सीसीटीवी कैमरा लगा है। यहाँ पे दिन दहाड़े भी चोरियाँ होनी शुरू हो गई है। पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है शिमला एमसी के अंदर, जो कि आज तक कोई भी पार्टी, अलग अलग टाइम पर यहाँ भाजपा और कांग्रेस दोनों ने राज किया, पर आज तक ये मूलभूत जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए थी अपने शिमला की एमसी की जनता को, वो आज तक नहीं ये लोग दिलवा पाए। 13 लोग नामांकन भरेंगे और 34 के 34 वार्डों से हम लोग अपने प्रत्याशी उतारेंगे। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को देश में बढ़ने से रोका जा रहा है, जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, वो किसी से छुपा नहीं है। मोदी सरकार आज तानाशाही रवैया अपना चुकी है, इसके बावजूद भी लोग अब खुलकर आने लग गए हैं, जिसका आपको एक प्रत्यक्ष प्रमाण ये एमसी के चुनाव में मिलेगा। शिमला के अंदर पार्टी पूरे दमखम के साथ लड़ेगी और जीत दर्ज करेगी। क्योंकि विधानसभा के चुनाव में भी आप गए थे वहां पर। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।